हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 का एक टॉपिक जो रह गया था हमारा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक बहुत अच्छा आइडिया लाई हूँ। आप सब अपने क्लासरूम जानते हो कैसे होती है क्लासरूम। क्लासरूम होती है, टीचर्स टेबल होती है, यहाँ पे टीचर होती है। देन यहाँ पे लाइक ऐसा ही होता है ना, हर एक सीट पे दो दो स्टूडेंट्स बैठते हैं, लाइक हर एक टेबल पे दो दो स्टूडेंट्स बैठते हैं, राइट? तो ऐसे ही हर एक टेबल पे दो दो स्टूडेंट्स बैठे हैं। आप सबको पता है जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं वो जनरली टॉपर्स होते हैं, एंड बैक बेंचर्स आर ऑलवेज लाइक ठीक है पढ़ लेंगे वाले, राइट? तो अब एक्चुअली हुआ क्या कि ये जो है हमारे मिस्टर, इनका नाम रख देता है मिस्टर बी, इनका नाम रखेंगे मिस्टर बी। तो जो हमारे मिस्टर बी हैं इनको दोस्ती करनी थी इनसे। अब इनका नाम क्या, इनका नाम रख देते मिस्टर ए। तो मिस्टर बी को मिस्टर ए से दोस्ती करनी थी। अब आप जानते हो बैक बेंचर्स से ना पावरफुल होते हैं। तो मिस्टर बी ने क्या किया, अब इन अंकल का नाम रख देते हैं मिस्टर सी, इस बच्चे का नाम, ठीक है। अब मिस्टर बी को यहाँ बैठना था मिस्टर सी की जगह, क्योंकि उनको ऑब्वियसली ए से दोस्ती करनी थी तो उसके साथ ही बैठना पड़ेगा। तो मिस्टर बी ने सोचा कि चलो भाई अपनी पावर का इस्तेमाल करें। अब टॉपर्स होते हैं, फ्रंट बेंचर्स होते हैं, वो तो कहाँ लड़ पाएंगे बेचारे बैक बेंचर्स से। तो बी गया सी के पास, बी ने बोला चलो भाई पीछे चलो पीछे, मुझे बैठना है ए के साथ, मैं बैठूंगा ए के साथ। तो अब बेचारा सी क्या करे, वो तो डर गया और वो चला गया पीछे। तब क्या हुआ, सी आ गया हमारे मतलब बी की जगह अब सी आ गया, एंड बी किस जगह आ गया, बी यहाँ आ गया, ठीक है। क्यों आ गया बी, क्योंकि बी थोड़ा पावरफुल था तो डर गया हमारा सी से, तो अब एयर भी बैठ गए। सेम वेज मैं एक और बात समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन अंकल का नाम हम रख देते कुछ इंटरेस्टिंग सा, चलो बीन, मिस्टर बीन, ठीक है, ये मिस्टर शिनचैन, एंड इनका नाम रख देते हैं मिस्टर निंजा हथौड़ी। तो भाई निंजा हथौड़ी को दोस्ती करनी थी मिस्टर बीन के साथ। मिस्टर बीन थे टॉपर, है ना, टॉपर थे वो बिल्कुल, और हमारे निंजा हथौड़ी थे बिल्कुल बैक बेंचर और बहुत पावरफुल थे। अब निंजा हथौड़ी को दोस्ती करनी थी शिनचैन के साथ, तो निंजा हथौड़ी गया मिस्टर बीन के पास मिस्टर, और उसने बोला चलो चलो पीछे चलो, मैं पावरफुल हूँ, नहीं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तो क्या हुआ, मिस्टर बीन डर के मारे पीछे आ गए, राइट, मिस्टर बीन यहाँ आ गए, निंजा हथौड़ी आगे चले गए। तो शिनचैन के साथ निंजा हथौड़ी बैठने लग गए, पीछे मिस्टर बीन बैठने लग गए। इज दैट क्लियर? सो वही होता है हमारे मेटल के साथ। तो एक तरीके से मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बना के दे दी है कि सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव मेटल होता है हमारा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, एंड आयरन के बाद और भी काफी सारे मेटल्स आते हैं बट मैंने लिखे नहीं है। बट यहाँ पे मैंने लास्ट के दो मेटल्स लिख दिए, मींस प्लैटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, लीस्ट रिएक्टिव मेटल, तो इट्स द लीस्ट रिएक्टिव मेटल, गोल्ड, उससे पहले गोल्ड, ओके। तो द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इज प्लैटिनम, एंड द मोस्ट एक्टिव जो हमारा मेटल है वो है पोटेशियम। अब हम देखेंगे कि मेटल्स के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे करते हैं, दैट्स गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल हम कॉपर सल्फेट लेंगे, हम क्या लेंगे, हम कॉपर सल्फेट लेंगे, एंड उस कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में लाइक दिस इज अ बीकर, एंड इस बीकर के अंदर हमने कॉपर सल्फेट रखा हुआ है। अब इस कॉपर सल्फेट के अंदर हम डालने वाले जिंक का ग्रैनुल, जिंक डालने वाले हैं हम, क्या डालने वाले हैं, अल्टीमेटली जिंक डालने वाले हैं। तब क्या होगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, ऑब्वियसली जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, राइट, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। अब जिंक को दोस्ती करनी थी हमारे सल्फेट के साथ, आई मीन सल्फर के साथ, तो जिंक ने बोला कॉपर को चलो भाई चलो चलो, मैं हाईली रिएक्टिव हूँ, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं ना तुम छोड़ूंगा नहीं, तुम चलो। तो कॉपर कहाँ आ गया, कॉपर जिंक की जगह आ गया, और जिंक कहाँ आ गया, कॉपर की जगह। तो वो क्या बन गया, सॉल्यूशन क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, एंड जो आपको नीचे एक ब्राउनिश ब्राउनिश पाउडर चीज दिखेगी वो हो गई आपका कॉपर। इजी,
ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देगा अपनी जगह से। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार हम जिंक सल्फेट लेंगे। क्या करेंगे, जिंक सल्फेट लेंगे। तो भाई हमारा जिंक सल्फेट का एक बीकर बना दिया, इसके अंदर जिंक सल्फेट है, ठीक है। तो अब इस जिंक सल्फेट के अंदर हम एक बार तो हम एक एल्यूमिनियम का पीस डालेंगे एंड ऐसे ही हम दूसरे बीकर में जिंक सल्फेट को डालकर उसमें हम आयरन का पीस डालेंगे। किसका, आयरन का पीस डालेंगे। अब देखते हैं दोनों में होता क्या है, लेट अस सी। जिसमें हमने जिंक सल्फेट में ऐड कर दिया हमने एल्यूमिनियम, तो अब क्या हो गया, एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम ने जिंक को बोला चलो चलो हटो यहाँ से, है ना, मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। तो जिंक हट गया बेचारा, तो वह एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया, जिंक रह गया। बट कमिंग टू दिस केस, क्या हमारा आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, क्या हमारा आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, नहीं, जिंक से तो आयरन कम ही रिएक्टिव है ना, तो कुछ होगा ही नहीं। बेचारे ये वाला बैकबेंचर तो कुछ कर ही नहीं पाया, ये तो है इतना वीक। बहुत इजी है, हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देगा, उसने बोला चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो वो वाली चीज यहाँ पे हो गई। सो आई होप समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।